हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लास टुडे यू विल हैव इंग्लिश ग्रामर ओके यू हैव टू ओपन अ टेक्स्ट बुक आप अपनी इंग्लिश टेक्स्ट बुक ले लीजिए विल हैव ग्रामर टुडे Okay, so today we'll do lesson number five, the present tense. This is your grammar textbook page. Lesson number five, it is page number 32 in your textbook, the present tense. Okay, so we'll be studying about simple present tense, then we'll be studying about present continuous tense. Then we will be studying about present perfect tense and present perfect continuous tense. Okay, so present tense ke four types hai. Present tense means something which is happening in the present, jo abhi hai. Now. Okay, present tense means now. So, it is of four types. Simple present tense. Present continuous tense, present perfect tense, and fourth type is present perfect continuous tense. Okay, we will have a slideshow related to it. The present tense. What is present tense? Look at the words in the green in the following conversation. Ria it is raining since last night, sonia. i know that is why i always carry an umbrella. do you want to play monopoly? ria says, sonia says, oh no, i have been playing board games since last weekend. board. i better get home now. ria says, but why do you want to go back so soon, sonia? i am worried about kitty. he has been falling sick again and again. ria.

sonia says i know that's why i always carry an umbrella now this sentence isn't simple present tense when simple present tense something which happens on a regular basis or something which is a universal truth we call it a simple present tense ria do you want to play monopoly again it is a simple mono, uh, present tense sonia i have been playing ंग यानी प्ले इट इज यूज टू मैं वर्ब्स विच हैव है पास हैव बीन कंटिन्यूंग ट नाउ फॉर दोज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ओके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसके लिए यूज होता है उन वर्ब्स के लिए जो जस्ट नाव फिनिश हुए अगर मैं आपको कहूँ हैव यू फिनिश्ड योर लंच

जो अभी चल रहा है यू आर स्लीपिंग यू आर प्लेइंग तो प्रेजेंट पर कंटिन्यूस हुआ प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि वो काम आपने कर लिया है ठीक है तो उसको आप पास्ट टेंस मत समझिए आपने जस्ट अभी कोई काम फिनिश किया हो तो दैट विल बी प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कोई ऐसा काम जो पास्ट टेंस में शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है उसको कहेंगे हम

ट्रेन अराइव एट ट्वेल्व थर्टी पी एम यहाँ पे ट्रेन रोज ट्वेल्व थर्टी आती है तो जो काम रोज होता है एक फिक्स टाइम पीरियड में रेगुलर बेसिस पे होता है वो सिंपल प्रेजेंटेंस में होता और स्टोरी जब हम कहते हैं तो वो सिंपल प्रेजेंटेंस में भी कह सकते हैं उसमें कोई टेंस नहीं होता तानिया फाइनली सीज अ हाउक्स एज क्विकली एज शी कैन दोर तो ये सब आपको पता है कि वो स्टोरी है वो हो चुकी है लेकिन उसको प्रेजेंट किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में ओके okay. और जो कहावतें हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड प्रोवर्ब्स जैसे कि एन एप्पल डे द डॉक्टर अवे इट्स अ प्रोवर्ब तो वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही मेंशन होता है ओके प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस एम इज प्रेजेंट पार्टिसिपेंट यानी कि आपको आई लग लिखना होगा इट डिस्क्राइब्स एक्शन हैपनिंग नाउ और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कोई ऐसा काम जो अभी चल रहा है और डिस्क्राइब लॉन्गर एक्शन जैसे कि मीरा इज स्टडिंग मेडिसिन तो वो लॉन्गर एक्शन हुआ इसमें जो चल रहा है चिल्ड्रन आर स्लीपिंग आई एम वेटिंग फॉर द बस नाउ ठीक है इसमें मोर एग्जाम्पल मीता इज आयरनिंग हर क्लोथ रिटू इज वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट आर यू गोइंग टू द फेयर तो ये सब गोइंग इज इंटरोगेटिव नेगेटिव इज वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट ओके बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग अ वेरी लॉन्ग एक्शन बहुत ही लंबे समय कोई कोई काम चल रही है जैसे में स्टडिंग मेडिसिन तो ऐसा तो है नहीं कि चौबीस घंटे पढ़ रही है बट वो उसकी पढ़ाई उसमें है तो हम ऐसा कहेंगे मीरा इज स्टडिंग मेडिसिन आई एम वर्किंग एज अ पायलट इन एयर इंडिया तो वर्किंग इसकेस में लॉन्गर एक्शन डिस्क्राइब करता है देन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैव बीन यान प्लस आई एन जी ओके

टेंस में आईएनजी नहीं होगा इसमें होगा। शायद हो हो हैज हैव बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल देखो इसमें क्या जो कोई ऐसा एक्शन जो शुरू हुआ था पास्ट में पर अभी तक चल रहा है या फिर डिस्क्राइब समथिंग दैट और लेटली ओके अनिशा हैज बिन स्टडिंग आर्ट हिस्ट्री इन ऑस्ट्रेलिया फॉर थ्री इयर्स यानी वो पढ़ ही रही है तब से रितेश है वो सीख रहा है स्पैनिशे okay. तो इसमें रितेश लर्न स्पेनिश सिंपल प्रेजेंट ऐसे प्रेजेंट बोलना बिल्कुल रॉन्ग होगा इसको हम ऐसे ही बताएंगे प्रेजेंट पर टेस्ट योर सेल्फ ना फिलिंग ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब

ऑल फेमस फाइव बुक्स ऑलरेडी दे हैव रेड रेड में आर ई ए डी स्पेलिंग रेड रीड आए वैसा ही आएगा लेकिन प्रोनाउंस उसको रेड किया जाएगा ओके सो दिस फिनिशेज योर प्रेजेंटेशन ऑफ दाइव नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी डूइंग द एक्सरसाइजेस ऑफ द चैप्टर ओके थैंक यू